हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, उच्चतम न्यायालय जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, ये अगर रिज़ाइन देना चाहें अपनी पोस्ट से तो किसको दे सकते हैं, कितनी उम्र तक ये जज रह सकते हैं, और इसके अलावा एक जो आर्टिकल है वो और डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, वो है कि उनकी सैलरी जो है वो कैसे डिसाइड होती है या कितनी दी जाती है। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में दो आर्टिकल डिस्कस करूंगा, आर्टिकल 124 एंड 125, अनुच्छेद 124 और 125 जो संविधान के हैं वो इस बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अनुच्छेद 124 को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 124 में बता रखा है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट होगा, इंडियन जो जुडिशरी में अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसमें एक तो चीफ जस्टिस होगा, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन इनिशियली जब संविधान बना था तो उसमें लिखा हुआ है 124 जो नंबर का अनुच्छेद है कि 7 अदर जज होंगे, तो एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जज। तो ये पहले था जब संविधान हमारा बना था। प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसके अलावा 33 अलग जज है, 33 अलग जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये पार्लियामेंट नंबर ऑफ जजेज़ अमेंडमेंट एक्ट आता है जिससे नंबर्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऐसे नंबर बढ़ाए जा सकते हैं जो कि पार्लियामेंट के पास पावर है बढ़ाने की। रिसेंट में 33 हैं, जब संविधान बना था तब 7 थे। तो दूसरी बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं उनकी कितनी उम्र होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो एज है वो है 65 ईयर। अगर 65 ईयर किसी व्यक्ति की हो जाती है, किसी जज की हो जाती है, तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि 65 ईयर का अगर कोई व्यक्ति है या इससे ऊपर का है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। दूसरी चीज़ एज की आ गई। तीसरी चीज़ बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बता रखी है, तीन तरह की क्वालिफ़िकेशन बता रखी है। पहली बता रखी है, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि तीनों ही होना ज़रूरी है। इन तीन में से अगर कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन कोई एक जो जज है या कोई एक व्यक्ति है जो फुलफ़िल करता है तो ऐसा उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये कि मैंने आपको तीसरी बात और बता दी है। पहली बात मैंने बताई कि टोटल अभी करंट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 33 अदर जजेज हैं। दूसरी मैंने आपको एज की बात बताई है कि 65 ईयर इसकी मैक्सिमम एज है, 65 ईयर से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो वो जज नहीं बन सकता। तीसरी बात मैंने बता दी कि इनको अपॉइंट जो करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। चौथी बात अब मैं क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ। तो क्वालिफ़िकेशन में पहली आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज है, कोई व्यक्ति जो किसी भी हाई कोर्ट का जज है, भारत में टोटल 24 हाई कोर्ट हैं, टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में, तो अगर उनमें से किसी भी हाई कोर्ट का कोई जज रह चुका है जो 5 साल तक उसने उस हाई कोर्ट में काम किया है, मतलब किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति 5 साल काम करे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले राजस्थान के हाई कोर्ट में काम किया हो, उसके बाद वो फिर यूपी के हाई कोर्ट में काम किया हो, तो अगर वो दोनों मिला के भी 5 साल हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5 साल काउंट किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि आपने भारत के किन्हीं कोई भी हाई कोर्ट में, जितने भी हाई कोर्ट में से किसी में भी अगर टोटल 5 साल काम कर लिया है आपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाई कोर्ट में 5 साल, टोटल मिला के जितने भी हाई कोर्ट में आपने काम किया, जितना भी आपने हाई कोर्ट के अंदर काम किया एज ए जज, तो 5 साल हो चुका है, तो आप एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। एलिजिबल बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपॉइंट हो ही जाएंगे, ये एलिजिबिलिटी है पहली। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हो, आप अगर किसी भी भारत के किसी भी, टोटल 24 हाई कोर्ट हैं, 24 हाई कोर्ट में से भारत के किसी भी 24 हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी ये मान लिया जाएगा वो एक एलिजिबल पर्सन है। एज ए एडवोकेट हूँ मैं, अगर मैं 10 साल से किसी भी एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये मान लिया जाएगा कि वो उस पर वो एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफ़िकेशन रखता है, वो एलिजिबल है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है, तो अभी तक ये अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, ये क्वालिफ़िकेशन है कि पहली क्वालिफ़िकेशन 5 साल हाई कोर्ट का जज, किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं, टोटल मिला के 5 साल होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है 10 साल किसी भी हाई कोर्ट के आप 10 साल एडवोकेट रहे हों। इसमें एक चीज़ ये और है कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होने के बाद अगर मान लो वो रिज़ाइन दे देते हैं अपनी पोस्ट से और फिर वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज है, एक ज़िले का जज है, जो वो जितने टाइम ज़िले का जज रहा
और जितने टाइम वो प्रैक्टिस कर रहा है भाई कोर्ट में, अगर इस पूरे समय को मिलाया जाए और ये भी अगर 10 साल हो रहा है तो वो ऐसे मान लिया जाएगा कि उसने वो 10 साल प्रैक्टिस की है। तो ये जो दूसरी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि 10 साल प्रैक्टिस अगर किसी हाई कोर्ट में की हुई है किसी एडवोकेट ने, तो वो भी एलिजिबल है। तो इसमें एक ये चीज भी है कि कोई व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो उसके बाद वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है डिस्ट्रिक्ट जज से वो रिज़ाइन देने के बाद, तो या रिटायर होने के बाद जैसा भी है, तो वो जो ईयर है वो भी काउंट कर लिया जाएगा कि हाँ ये 10 साल इसने काम किया है एज ए एडवोकेट, वो मान लिया जाएगा। वो जो डिस्ट्रिक्ट जज वाला टाइम पीरियड है वो भी काउंट करके, और जो हाई कोर्ट में टाइम काम करा है उसको, मान लीजिए हाई कोर्ट में आपने 2 साल काम किया है और डिस्ट्रिक्ट जब आप जज आप 8 साल रहे, तो दोनों मिला के 10 हो रहा है, तो आपको एलिजिबिलिटी मान लिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तीसरी क्वालिफिकेशन है कि अगर आप एक एमिनेंट जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़र में। एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कानून की जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत कर सकता हो या इस तरह से बता सकता हो जिससे उसमें कोई एक नई चीज़ इवॉल्व होके आ रही हो। जूरिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया हो वो बेसिकली जूरिस्ट कहलाता है। जिन्होंने कोई कानून या किसी लॉ की कोई नई जानकारी दी हो वो एक जूरिस्ट कहलाता है। तो ऐसा भारत में आज तक कभी हुआ नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को एज ए एमिनेंट जूरिस्ट बनाया हो, कि कोई एमिनेंट जूरिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ हो। अभी तक जो जज बने हुए हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, और वो ऊपर के जो 2 क्वालिफिकेशन, जो 5 साल से ज़्यादा का हाई कोर्ट का रह चुका हो या फिर 10 साल से ज़्यादा वो एडवोकेट वाला उसने काम किया हो हाई कोर्ट में, तो वो माना जाता है कि वो एक वो क्वालिफिकेशन उसकी जो है उन क्वालिफिकेशन पे ही अपॉइंट हुआ है। फिर बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना हो तो कौन हटा सकता है, और हटाया तो किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाया जा सकता है अगर वो प्रूड मिसबिहेवियर करते हैं और वो इनकैपेबल हो जाते हैं। प्रूड मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि वो एक इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो बिल्कुल मिसबिहेव की तरह लगता है, जैसे कि जो उनकी अथॉरिटी है वो उस अथॉरिटी को एक्सेस कर रहे हैं, जितनी उनके पास पावर एक्सरसाइज करने की पावर है कि आप इतनी पावर एक्सरसाइज करते हैं आप उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ प्रूव मिसबिहेवियर। दूसरा है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब है कि आप केपेबल ही नहीं है उस पोस्ट के लिए और आप अपॉइंट हो गए, तो अगर ऐसा लगता है कि आप इनकेपेबल हैं तो भी आपको हटाया जा सकता है। तो हटाने की जो प्रोसेस है वो क्या है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो हैं, इसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है। पार्लियामेंट जो हमने देखा था आर्टिकल 78, तो पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैंने आपको बताया था, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलके जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। तो पार्लियामेंट में भी जो लोकसभा है या राज्यसभा है दोनों में से कोई भी हाउस में चर्चा होती है, और अगर ये 51% की मेजोरिटी हो जाती है उससे जब बिल पास हो जाता है, एक बिल लेके जाया जाता है, मतलब बिल नहीं कहेंगे, एक रेजोल्यूशन लेके लाया जाता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया सकता है, और बताया जा सकता है कि ये जो जज है ये या तो प्रूव मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर ये इनकेपेबल हैं, तो वो अगर 51% की मेजोरिटी से पास हो जाता है, मतलब 51% वोट उस रेजोल्यूशन पे मिल जाते हैं, जो सांसद है वहाँ राज्यसभा या लोकसभा में वो उसको पास कर देते दोनों जगह से, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट उस पे साइन लगा देता है, अपनी मोहर लगा देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सन को हटा दिया गया है और हटाने की उसकी कार्रवाई हो जाएगी। तो हटाने का जो ग्राउंड है वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और सबसे आखिरी बात जो है इसमें वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, किसी सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर व्यक्ति कोई जज बन जाता है, भारत के अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज बन जाता है, तो वो भारत के किसी भी कोर्ट में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये इसलिए क्योंकि क्या हो सकता है कि आप बाद में अपना इंटरेस्ट शो कर ले किसी पर्सन को, और हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में किसी पर्सन से इंटरेस्ट शो कर ले, तो ये एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कि इसीलिए ये चीज़ डाली गई है कि अगर एक बार आप जज बन गए हैं तो आप फिर आप अपने जीवन में कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो भी हैं उनमें कभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट के सामने, किसी भी कोर्ट के सामने आपको एज ए एडवोकेट काम करना मना है अगर एक बार आप जज बन जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के। तो ये था आर्टिकल 124। अब मैं इसमें बात करता हूँ आगे आर्टिकल 125 की, जो कि बात करता है सैलरी जो जजेज़ हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी। तो जो सैलरी है उन जजेज़ की वो
पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ऐसा लिखा हुआ है 125 आर्टिकल जो है, 125 जो अनुच्छेद है इसमें बता रखा है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम, और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पर प्रेसिडेंट, ये जो जजेस की सैलरी होती है, एक तरह का चार्ज होती है। मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा आता है उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट जजेस की सैलरी में डिडक्ट होता है हर साल, हर महीने जैसा भी है तो वो हर साल जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो सैलरी है वो आर्टिकल 125 के हिसाब से है, इसमें बता रखा है कि पार्लियामेंट जिस हिसाब से देना चाहती है उस हिसाब से बना सकती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए एक जजेज इंक्वायरी एक्ट बनाया हुआ है 1973 का, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारा काम किया जाता है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1973, उस के अकॉर्डिंग प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है जजेस की वो देखी जाती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।